हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे की बहुत ही टेस्टी फरी, और वो भी बिना तेल के। सबसे पहले एक बोल में एक चौथाई कप चना दाल ले लेंगे। इसमें एक चौथाई कप उड़द दाल डाल देंगे। इसके बाद इन्हें एक से दो बार पानी से अच्छे से धो लेंगे, और इसके बाद 4 घंटे के लिए साफ पानी में भिगो कर रख देंगे। 4 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है, इसका सारा पानी छान लेंगे और अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 इंच अदरक डाल देंगे, 2 लहसुन डाल देंगे। अब इसका बारीक पेस्ट पीस लेंगे। पीसते समय 1 चम्मच पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पानी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करें। 1 चम्मच ज़्यादा ऐड ना करें, वरना ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। दाल का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा पाउडर या धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब आटा गूंथ लेंगे। एक बोल में 1 कप चावल का आटा डाल देंगे। इसमें 1/4 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इससे आटा गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंथना है। आटा गूंथने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब एक पतीले में 7 से 8 कप पानी डाल देंगे और उसे उबलने के लिए रख देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसे उबलने देंगे। जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम फरे बना लेते हैं। 15 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे एक छोटी सी लोई तोड़ लेंगे, इसे हाथों पर रोल करते हुए दबा लेंगे। साथ में एक प्लेट में 1 चम्मच चावल का आटा ले लेंगे। जो लोई तोड़ी थी उस पर यह आटा लगा देंगे और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसे पूड़ी की शेप दे देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला ना करें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग रखने के बाद उंगलियों की मदद से इसे हल्का प्रेस कर लेंगे और फैला देंगे, और इसके बाद इसे इस तरीके से बंद कर देंगे, और इसी तरीके से बाकी फरे भी बना लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, इसमें फरे डाल देंगे। एक एक करके इसमें सारे फरे डाल देंगे। बस ध्यान रखिएगा, फरे डालते समय ये जो पानी का उबाल है वह कम ना हो, पानी उबलता रहना चाहिए। ये देखिए, थोड़ी देर बाद सारे फरे अपने आप ऊपर आ गए हैं। इन्हें 20 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। इसे इस तरीके से आधा ढककर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार चलाकर इसे पलट लें। ये देखिए, 20 मिनट बाद सारे फरे अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। मैं आपको एक फरा कट करके दिखाती हूँ। यह अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। इस फरे को आप गोभी आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।